हम चुनाव करते हैं, शादी करने में चुनाव, गाड़ी खरीदने में चुनाव, जमीन खरीदने में, खेती में, खाने में, कपड़ा में, हर जगह चुनाव, लेकिन काम करने में कोई चुनाव नहीं। काम करने में कोई भी चुनाव हम नहीं करते, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जो मिल गया उसी को हम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप लोग देखेंगे AUX mode. पूरा नहीं कर पाएगा। उन्होंने बड़ी पार्टियां लाई ताकि वो और
पानी मारकर उड़ा सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। बाद में अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। राघव जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वह जमीन खोद कर पाइप लाइन बनाने लगा। पहले महीने में अब ज्यादा काम नहीं कर पाया। बाकी गांव वाले हंसते हैं की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर बनाया। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बाग में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन दोनों को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही
सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए उन्हें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। आप ही बताइए, क्या आप अभी भी दोनों की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पागलों बनना चाहते हैं? यदि पागलों की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। जमा दीजिए लाइट। क्या समझ में आया? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। ये सारे लोग आज जो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक प्रकार से मैंने पाइपलाइन ही तो बिछाई है। हेलो। आज इस प्रकार से पूरे भारत में 88,000 पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं। हाँ जी। अगर ऐसे ही 4-5 साल हम लोगों ने और काम किया और जेएमबीडी में करोड़ों लोग आ गए तो हम लोगों ने हम एक भी प्रोडक्ट कंपनी में निकालेंगे, करोड़ों घरों में जाएंगे, हमारे करोड़ों प्रोडक्ट एक दिन में बिक गए। मतलब हमने पाइपलाइन बिछा दी। और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तक कोई कंपनी खोलता है तो कंपनी कमाती है, लेकिन अगर इसमें आप लोग हमारा साथ देते हो तो जितना टर्नओवर होगा उसमें केवल हम नहीं कमाएंगे, आप लोग भी कमाओगे। वो पाइपलाइन आपकी भी है। जो पाइपलाइन आप बना रहे हो वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी। एक बार परेशानी आएगी लेकिन जिंदगी जिंदगी की परेशानी खत्म कर देगी। आज नदियों में जो पुल बने हैं क्या बिना परेशानी के बने होंगे? हेलो। आज देश आजाद हुआ क्या बिना परेशानी के? आज आप माँ बने हो क्या बिना परेशानी के? लेकिन आपके माँ बनने की परेशानी आपके वंश को आगे बढ़ाता है, आपकी माँ बनने की परेशानी आपकी बुढ़ापे की लाठी तैयार करता है, आपकी माँ बनने की परेशानी आपको बांझ बनने के दर्द से बचाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. इसी प्रकार से ये नेटवर्किंग में नो सुनने की परेशानी आपको बहुत आसानी देती है। ये नेटवर्किंग में रोज फील्ड में निकलने की परेशानी, ये नेटवर्किंग में घर वालों के कलेश की परेशानी हमारी कहानी बनाती है। मेरे घर वालों ने मुझे नेटवर्किंग के लिए घर से निकाला। ये मेरे जीवन में उस समय परेशानी थी, आज क्या है और पूरी जिंदगी क्या रही है। और लोग इसको सुनकर मोटिवेट हो गए या डिमोटिवेट हो गए, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ है बुरा हुआ? अच्छा। लेकिन उस समय का तो कलेश था। आज आपके घर में जो कलेश हो रहा है वो आपके लिए क्या हो रहा है? तो आज के बाद पर कहना सर घर पे कलेश हो रहा है। हेलो। 5 साल की हर परेशानी जीवन की कहानी, बीवी रोक रही है कहानी बन रहा है। अच्छा, तुम उसके रोकने से रुक जाओगे फिर किस मत से सुनाओगे? मेरी पत्नी ने रोका और मैं रुक गया, आज मैं रोल के जीवन हूँ। मेरे पति ने मुझे रोका और मैं रुक गया, आज मैं रोल के जीवन हूँ। अभी मैं आज आप लोगों से एक ऐसी लेडी को मिलाऊंगा जिनके हस्बैंड ने उनके हाथ में तलाक के पेपर रख दिए थे, लेकिन वो लेडी नहीं रुकी। आज पति भी साथ है, कामयाबी भी साथ है और कहानी भी साथ है और आज यहाँ है। रुकता वही है जो रुकना चाहता है। मुझे कोई भी व्यक्ति पानी में आग लगाकर दिखा दे, आग कहाँ लगेगी? जहां मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? रुकेगा कौन जो रुकना चाहता हो। मैं रुकना नहीं चाहता था, मुझे कोई नहीं रोक पाया। सोनी मेहरा रुकना नहीं चाहती थी, टीना सोलंकी रुकना नहीं चाहते थे, महेश हरसाना जी रुकना नहीं चाहते थे, किरण राणा रुकना नहीं चाहती थी, सतीश जी रुकना नहीं चाहते थे, मुकेश जी रुकना नहीं चाहते। तो
नया साल भी हो तो अपने घर नहीं जाते, भले भाभी जी कहे कि अब वहीं सब रहो, लेकिन उनको समझाते हैं, लेकिन केवल काम पर जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? यस। आपकी भी हर परेशानी एक दिन आपकी कहानी बन जाएगी। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो चाहत भरा जीवन जीते हैं और दूसरे वो जो असफल है और जरूरत भरा जीवन जीते हैं। असफल लोग और सफल लोग। असफल लोग जिन्हें हम गरीब कहते हैं, सफल लोग जिन्हें हम अमीर कहते हैं। असफल लोग कितने महीने पैदा होते हैं और सफल लोग कितने घंटे हैं सफल लोगों के पास, और सफल के बाद कितने हाथ पैर हैं और सफल के पास, फिर क्यों एक व्यक्ति जरूरत भरा और फिर क्यों एक व्यक्ति चाहत भरा जीवन जी रहा है? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है गरीब और अमीर में जो अंतर है वो यही है दोस्तों कि जो गरीब व्यक्ति होता है और जो अमीर व्यक्ति होता है, गरीब के घर में एक्स्ट्रा खर्चे हैं, बहुत है, और अमीर के घर में भी एक्स्ट्रा खर्चे बहुत है। गरीब के घर में एक्स्ट्रा इनकम और अमीर के घर में, यही कारण है। आप भी अपने घर में कई प्रकार से एक्स्ट्रा इनकम ले आओ, आप भी अमीर हो जाओगे। दिक्कत यही है, जहां से एक्स्ट्रा इनकम आ सकती हो काबी आप नहीं कर रहे हो। आप वो चाय पी रहे हो जिससे पैसा जा रहा है, आप वो साबुन लगा रहे हो जिससे पैसा, आप वो गर्म मसाला खा रहे हो जिससे पैसा, आप वो लिपस्टिक पाउडर यूज कर रहे हो जिससे पैसा, और आप बातें भी वो कर रहे हो जिससे कोई पैसा नहीं आ रहा है। आज से आप जेपीडी की चाय पियो, पैसा आएगा। जेपीडी के मसाले खाओ, पैसा। जेपीडी का टूथपेस्ट करो, पैसा। जेपीडी की बातें भी करो, और जिस दिन एक्स्ट्रा इनकम आपके घर में आने लग गई, आप धीरे धीरे अमीर हो जाओगे। सोच छोटी और नकारात्मक होती है, सबसे बड़ी बात, लेकिन अमीर लोगों की सोच हमेशा बड़ी और सकारात्मक होती है। ये किसी भी चीज में हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। किस्मत, गरीब लोग कहते हैं खराब है, अमीर लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन किस्मत अच्छा नहीं है, मत खराब है और मत अच्छा है। काम इनका वर्क होता है और अमीर लोगों का नेटवर्क होता है, ये अंतर है। इस लॉजिक को समझना, गरीब लोग का मत खराब, इनका मत अच्छा, गरीब लोगों का काम वर्क, अमीर लोगों का काम। आज दुनिया का हर अमीर इंसान वर्क नहीं करता, क्या करता है? नेटवर्क करता है। गरीब लोग नौकरी या दुकान, अमीर लोग हमेशा बिजनेस करते हैं। और जेपीडी क्या है? जो आप सबको बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया ही चार भागों में बटी है, पूरी की पूरी दुनिया, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और आप जितने लोग यहां बैठे हो, आप सब इसमें से कुछ ना कुछ होंगे, या तो आप इम्प्लॉई एक नौकरी कर रहे होंगे या सेल्फ एम्प्लॉई अपना काम कर रहे होंगे। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर यहां कोई नहीं है। गरीब लोग हमेशा इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा इस श्रेणी में आते हैं। गरीब लोग वर्क करते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा नेटवर्क करते हैं, और यह नेटवर्क बनाना ही उन्हें इस सिस्टम में ले आता है। गरीब लोग हमेशा एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। गरीब लोग 90% लोग हैं जिनके पास केवल 10% पैसा है, लेकिन पैसिव इनकम पे काम करने वाले दुनिया के 10% लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जेएमबीडी बिजनेस अगले 5 साल में आप इम्प्लॉई हो या सेल्फ इम्प्लॉई हो, आपको यहां से यहां पहुंचा देगा। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले 5 साल में आपका भी एक अपना नेटवर्क होगा, और इस नेटवर्क
की वजह से आप भी बिजनेस पैड होंगे और आप भी इन्वेस्टर होंगे। नेटवर्क सबसे अच्छा करियर है दोस्तों, पिछली बार भी दिखाया था और इस बार भी मैं दिखाना चाहता हूं कि आप अपने घर पे जाकर ABCDEFGH पूरा A से Z तक लिख डालें और सबको एक आप काउंटिंग करें, A को आप 1, B को टू, C को 3, ऐसे पूरा लिखें तो ABCD में कितने अक्षर आएंगे? 26। और फिर आप कैलकुलेशन करना कि अगर आप वर्क करते हो फिर आप देखना W पे कितना अक्षर है, O पे कितना है, R पे कितना है, K पे कितना है, तो टोटल ये आएगा 67% कामयाबी। अगर आप वर्क करेंगे तो आप 67% कामयाब होंगे, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप 98% कामयाब होंगे, अगर आप नॉलेज लेकर काम करेंगे तो आप 96% कामयाब होंगे, अगर आपके पास अच्छा नजरिया है तो आप 100% कामयाब होंगे। तो नजरिया हमेशा अच्छा रखना, पॉजिटिव नजरिया रखना। अगर आपका सीनियर आपको डांट भी दे तो निगेटिव नजरिए से मत सुनना, निगेटिव नजरिए से सुनोगे सब निगेटिव नजर आएगा और पॉजिटिव नजरिए से सुनोगे सर ने क्यों डांटा, क्या तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? कहीं ना कहीं जो तुम नहीं देख पा रहे हो तुम्हारी वो गलत आदत वो सर देख रहे हैं और वो आगे डेवलप ना हो इसलिए डांट रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हो, मेरी इतनी उम्र सारा मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया, तुम समझाओगे? अरे कोई नहीं समझा पाया और वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि तुम जैसे हजारों लाखों को समझा के उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी है, तुम भी समझ लो क्या चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या देखना है, पॉजिटिव नजरिया, एटीट्यूड। लेकिन दोस्तों अगर आप नेटवर्क करते हो 106% कामयाबी है, 106। इसलिए दुनिया में नेटवर्क जरूर करना। तो भागदौड़ के इस दौर में हर किसी को जरूरत है एक अदद कामयाब करियर की, ऐसा करियर जिसमें संभावनाएं ज्यादा हो और रिस्क कम हो। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में कारोबार की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रत्यक्ष बिक्री ने बड़ा बदलाव किया है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग और भारत में इसका भविष्य कैसा है, देखते हैं रिपोर्ट से। डायरेक्ट सेलिंग तेजी से फैलता और काफी सक्रिय व्यापारिक माध्यम है जिसमें उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग स्थित है।